हुए हैं हमारे। अरे वापस पहन लो पहन लो चल चलो हाँ, ये आवेदक है सत्यनारायण सोलंकी जो उज्जैन के रहने वाले हैं। इनके द्वारा शिकायत की गई थी कि किसी व्यक्ति द्वारा जो अपने आप को आयकर विभाग का उपायुक्त बताते हैं और उसका नाम दीपक वेरवा है, तो नौकरी लगवाने के नाम पे उसके द्वारा 1,10,000 रुपये ले लिए हैं और 1,00,000 रुपये और मांग रहा है, तो इस तरह धोखाधड़ी की है। तो उसकी जांच कर अपराध पंजीबद्ध किया गया है थाना माधवनगर पर। इसमें 420, 419 से 170 की धाराओं का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आज ऐसे आरोपी को हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ की जा रही है। सर, प्राथमिक पूछताछ में किस प्रकार की जानकारी सामने है, कितने लोगों से ठगी इन्होंने की है और अभी क्या कितना अमाउंट लगभग ठगी का जा सकता है? ठगी में ये 1,10,000 रुपये अभी तक फरियादी से ले चुका था और 1,00,000 रुपये और मांग रहा था और अभी तक तो एक ही मामला सामने आया है। यदि इसके संबंध में और उससे आरोपी से पूछताछ की जाएगी कि और कितने लोगों से इसने रुपए लिए हैं। सर, इसे गाड़ी पे आयकर आयुक्त लिख रखा है, उसको लेकर भी कोई प्रकरण दर्ज होगा? बिल्कुल, इसकी भी धाराएं लगेंगी और इसमें पूछताछ भी की जा रही है कि ये गाड़ी किससे और कहाँ से लाता था और किसके द्वारा इसको गाड़ियाँ मुहैया कराई जाती है। सहयोगी भी इनके साथ सामने आ रहेगी? बिल्कुल, पूछताछ में इसके सहयोगी जरूर सामने आएंगे जिनको भी प्रकरण में वैधानिक कार्रवाई इनके विरुद्ध की जाएगी।